नमस्कार, मैं हूं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ हंटर्स। रेलवे लाइन किनारे रेलवे के द्वारा बनाई गई बाउंड्री किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई, क्योंकि जहां पर रेलवे की बाउंड्री का निर्माण चल रहा है वह खेतों तक जाने के लिए किसानों का एकमात्र रास्ता था, जो अब पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसको लेकर परेशान किसानों ने SDM से मदद की गुहार लगाई है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल करौंदा आगासूद रेलवे स्टेशन के पास मौजा जगदीशपुरा में झांसी डिवीजन के द्वारा बाउंड्री का निर्माण कराया जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि रेलवे द्वारा पूर्व में सीमांकन कराया गया था, जिसके अनुसार सीमा चिन्ह लगे हुए हैं, जहां से कुछ किसानों की कृषि भूमि भी लगी हुई है, लेकिन रेल विभाग के द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण कर बाउंड्री का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी वजह से कृषि भूमि तक पहुँचने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिससे किसान कृषि कार्य नहीं कर पा रहे। रास्ता नहीं होने की वजह से खेतों में पड़ी कटी हुई फसलें खराब हो रही हैं, जिसको लेकर परेशान किसानों ने SDM से शिकायत की है। तो वहीं मामला सामने आने के बाद SDM प्रकाश नायक ने रेलवे अधिकारियों से बात कर समस्या का निराकरण कराने की बात कही है। हो रही खेती का परेशानी है, ना निकल पा रहा है, ना रास्ता है निकलने के लिए, परेशानी आ रही पूरी पूरी। थ्रेसर कर भी रखी है, पकड़ पर भड़िया से कूट रहे हैं, महीना महीना तक कर नहीं पा रहे, निकल भी कहीं से रास्ता ही नहीं बची। शिकायतें कहाँ की हैं आप लोगों ने? SDM साहब के थे, करी थी शिकायत। फिर किसानी करने में तो समस्या होगी, समस्या होगी साहब, डाई रही अब बहुत परेशानी, अब कोई निकलन दे रहा खेतों में, नहीं निकलन दे रहा। अब सरकार बता दे जहाँ से रास्ता हो, जैसे मान्य हो जाए, फिर कहाँ से सरकार दे रही है। मैं रास्ता नंजा और खेती कर कहीं से निकल भी खो, रास्ता नंजा मेन चीज तो, अजय हमारी फसल रखी नष्ट हो रही है, कोई उपाय नहीं है, कोई वाहन नहीं ले आ रहा, कहाँ निकालें? शिकायत कहाँ की आप लोगों ने? तहसील में। वो क्या बोल रहे? कहीं हमको सुन है, अब सुन है, दरखास्त दी, आज तक कोई सुनाई नहीं, 4 महीने 5 हो गए। खेती करने यहाँ कहीं जगह नहीं है निकलने की? नहीं, कोई जगह नहीं। राम कृष्ण सेवन खुली, मौजा जगदीशपुरा में जमीन है अपनी और बहुत जगह ही है, क्योंकि पास ही लगी हुई है, वो अपन ट्रैक्टर नहीं लगा पा रहे, फसल रखी है तो उजड़ रही, कहीं से निकास नहीं, परेशान। आपने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है? हाँ करवाई है। कहाँ पर दी है? यहीं तहसीलदार SDM साहब के, वो भी है, केस भी है, केस नंबर है। क्या बोला रहा हूँ? एप्लीकेशन पे हो जाएगा, भेजा है कि DRM के लिए, ना सुनवाई हुई, ना 4-5 महीने हो गए। ये जानकारी आपके माध्यम से मुझे आज प्राप्त हुई है, इसमें मैं रेलवे के अधिकारियों से चर्चा करूंगा और जो भी उसमें समाधान होगा वो किया जाएगा, किसी भी कृषक को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।